चुनावी साल से पहले यूपी में बीजेपी का कमाल। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल में विपक्षी हुए साफ। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पर छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। विपक्षी बचा पाएंगे अपना सम्मान या फिर होगी जमानत जब्त? इस बार जब आ रहे हैं और चुनाव में जा रहे हैं तो हम ये भरोसा दिलाते हैं तभी तमाम गरीब जनता को कि देश संविधान से चले, कानून से चले और जो अधिकार संविधान में और कानून में है वो गरीबों को मिले। योगी के खिलाफ लैला का गजनवी प्लान। कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। योगी ने ओवैसी का चैलेंज किया स्वीकार। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। गजनवी का मकसद अधूरा, ओवैसी करेंगे पूरा। तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते। योगी के प्लान से लैला का ख्वाब रह जाएगा अधूरा। आतंकवाद के समर्थक हो जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, ये लोग देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। ईवीएम के बाद बैलेट पेपर में भी विपक्ष हुआ धाराशाही। बहुत पुरानी कहावत है कि खेल खत्म और पैसा हजम। और कैसे हजम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पैसा, वो हम और आप लोग समझ नहीं पा रहे। गुमराह गैंग के खिलाफ योगी का दमदार प्रहार। और कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अखिलेश का एमवाई प्लान होगा फेल। ये वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। योगी के चक्रव्यूह के सामने विपक्षी भरेंगे पानी। उत्तर प्रदेश में इस समय जो आपराधिक तत्व हैं, तो उनमें कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान का पैकअप कराएंगे योगी। सीएम योगी के राम वर्सेज ओवैसी का गाजी प्लान। यहाँ पे पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं देख रहा था कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कहीं ना कहीं अपने नाम के आगे या नाम के पीछे राम शब्द रखते थे। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में साल 2022 में चुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस चुनावी लड़ाई में कूद पड़ी है। उत्तर प्रदेश की नहीं, देश के दूसरे राज्यों की पार्टियां भी चुनाव जीतने की हसरत लेकर यूपी पहुंच चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों के बीच नए नए गठबंधन बन रहे हैं और टूट भी रहे हैं। भले ही बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष के चुनाव में विपक्षी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दी हो, लेकिन वो उन्हें हल्के में नहीं ले रही। 2022 में यूपी के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने 14 सूत्री एजेंडे को पेश किया। इस एजेंडे के तहत खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों की पार्टी टिकट काट सकती है।
मेहरबानों, कदरदानों, दोस्तों, यारों, अरे खेल देखिए, खेल खेला पुराना है, बस खेला की जगह और समय बदल गया है। अब खेला होबे बंगाल से यूपी में खेला हो ही बनकर शिफ्ट हो गया है। देश में सबसे बड़े चुनावी लड़ाई के लिए मैदान सजनी शुरू हो गई है। लड़ाई यूपी के 403 विधानसभा सीटों पर लड़ी जाएगी। बीजेपी अपना किला बचाने के लिए लड़ेगी तो विपक्ष बीजेपी का किला ढहाकर गद्दी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। सभी दल अपनी सेना के साथ चुनावी लड़ाई की रणनीति तय करने में जुट गए हैं। साल 2022 में क्या एक बार फिर भगवा खिलेगा? सीएम योगी की सत्ता में वापसी होगी या फिर विधानसभा की गलियों में साइकिल दौड़ेगी? बहन जी भी लड़ाई में पीछे नहीं है, वो हाथी पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन योगी के खिलाफ बिगुल फूंक चुका विपक्ष का सारा सपना धरा का धरा रह सकता है, क्योंकि यूपी में लैला की एंट्री हो चुकी है और अब लैला आई है तो कुछ ना कुछ खेल तो करेगी। या तो कुछ सीटों पर वो जीत हासिल करेगी या फिर विपक्ष का वोट काटेगी। लेकिन सभी का मकसद एक है, बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। सब जगह कुर्सी का ही खेला है, घर हो, दफ्तर हो, बस हो या फिर ट्रेन, हर जगह कुर्सी की ही मारामारी है। और फिर लड़ाई सबसे बड़े सूबे की कुर्सी की हो तो फिर हर कोई उस कुर्सी को अपने कैद में करना चाहता है, उस पर बैठना चाहता है। और बीजेपी किसी भी हाल में सबसे बड़े सूबे की कुर्सी को खोना नहीं चाहती, इसलिए चुनाव से 6 महीने पहले ही बीजेपी ने अपनी जीत की पूरी प्लानिंग कर ली है। भाई आदमी योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और राज्य में 4.5 सालों में उन्होंने अपराध से मुक्त राज रखा, भ्रष्टाचार से मुक्त रखा। यूपी में चुनावी साल से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है। बीजेपी की जीत की आंधी में विपक्ष उड़ चुका है। यह हाल तब है जब यूपी में साल 2022 में चुनाव है। और सोचिए विधानसभा के चुनाव से पहले बीजेपी के सामने विपक्षी पार्टियों का यह हाल है तो फिर विधानसभा चुनाव में क्या होगा? सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और मैं प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव का यह दौर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। हालांकि बीजेपी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को हल्के में नहीं ले रही है। यूपी में चुनावी लड़ाई के लिए बीजेपी टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे तक, संगठन से लेकर सरकार तक फेरबदल कर रही है। यूपी की सियासी लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी ने 14 सूत्रीय एजेंडे को तैयार किया है। यह है सरकार और संगठन में एकजुटता। संघ, सरकार और संगठन एक साथ मिलकर काम करेंगे। मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं के संगठन में वापसी होगी। यूपी चुनाव के लिए संघ के लोगों को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। पीएम मोदी महीने में एक बार यूपी का दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे यूपी का दौरा करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिलावार दौरा करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का सर्वे होगा। यूपी के सियासी रण को जीतने के लिए बीजेपी कई बड़े फैसले ले सकती है। पार्टी आला कमान खराब प्रदर्शन वाले विधायकों की छुट्टी करने की तैयारी में है। यूपी में 70 सिटिंग विधायकों का टिकट बीजेपी काटने की तैयारी में है, यानी 2022 स्वतः से पहले ही इनकी विदाई तय है। यूपी में बीजेपी के पास विधानसभा की 312 सीटें हैं और इस बार भी पार्टी ने 300 के पार लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जितनी बड़ी सफलता नहीं, उससे भी बड़ी सफलता इस बार भी। यूपी को साधने के लिए पीएम मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर, सुपर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, रुद्राक्ष कन्वेक्शन सेंटर का भी दौरा करेंगे। यूपी में चुनाव से पहले पीएम मोदी काशी से यूपी को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। काशी में पीएम मोदी हजारों करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उधर आरएसएस भी सीएम योगी को दोबारा यूपी के सिंहासन पर बैठाने के लिए एक्टिव हो गया है। संघ योगी की राह को आसान बनाने के लिए धर्म, संस्कृति और सियासी मोर्चे पर मास्टर प्लान बनाने में जुट गया है और इसके लिए एमपी के चित्रकूट में संघ की बड़ी बैठक चल रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अखिलेश हो या फिर मायावती या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां, उत्तर प्रदेश जीतने के लिए सभी जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब तो यूपी में लैला यानी फड़काओ भाईजान ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन इन सभी पर मुख्यमंत्री योगी का मास्टर स्ट्रोक भारी पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी के चुनावी रण में खिलाड़ी बनकर हर कोई मैदान मारने के लिए उतर गया है। अखिलेश ने ममता के स्लोगन को अब अपना बना लिया है। अखिलेश ने खेला हो भी स्लोगन का यूपीकरण कर दिया है, खेला होई, लेकिन ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलेगा जनता किसके साथ खेला करती है, किसे सत्ता की चाबी सौंपती है और किसे 5 साल का बनवास सुनाती है। यूपी में छोटी राजनीतिक पार्टियां भी बड़े ख्वाब देखने लगी हैं। हैदराबाद की लैला की भी यूपी चुनाव में एंट्री हो चुकी है और वो मजनू की तलाश में दर दर भटक रही है। मैं लैला हूँ। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नतीजों में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। विपक्षी पार्टियों की हालत इससे पहले इतनी खराब नहीं थी, लेकिन सीएम योगी के मास्टर स्ट्रोक के सामने साइकिल की हवा निकल गई तो हाथी ने इस चुनाव से खुद को दूर रखना ही बेहतर समझा। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों को राजनीतिक पंडित सत्ता का सेमीफाइनल बता रहे हैं और यही कारण है कि अखिलेश बेचैन है। जो पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई। उस हार का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को सड़कों पर छोड़ दिया और पूरा का पूरा चुनाव लूट लिया। अखिलेश को जवाब देने के लिए सीएम योगी खुद मैदान में आए और अखिलेश को याद दिलाया कि चुनाव ईवीएम से हो या फिर बैलेट पेपर से, जो काम करेगा जनता उसे ही चुनेगी। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। दिल में यूपी में चुनाव जीतने की हसरत को लेकर लैला भी आ गई है और मजनुओं पर डोरे डाल रही है ताकि यूपी में चुनावी नयन मटक्का हो सके। कोशिश यही है दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लैला यूपी में गाजी प्लान लेकर आई है और इसके लिए उसने फसादी रूट को चुना है। भगवान श्री राम और कृष्ण की धरती को भड़काऊ भाईजान गाजियों की सरजमी बता रहे हैं। लैला यूपी के मुस्लिमों को भड़काने में जुट गई है, वो उन्हें आक्रांता गाजी का वास्ता दे रही है। सीएम योगी और मोदी के नाम पे डरा रही है। तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते। लेकिन सीएम योगी भी लैला भड़काऊ भाईजान से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। सीएम योगी से मुकाबले के लिए लैला मजनुओं की टोली की तलाश कर रही है, लेकिन सीएम योगी लैला को बता चुके हैं कि यूपी में उसकी जमानत जब्त होने वाली है। जो लोग आतंकवाद के समर्थक हों, जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, ये लोग देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में हार के मारे बेचारे अखिलेश अपनी कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार बनने पर सभी तरह की सुविधाएं देने की तसल्ली दे रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो असुविधा हुई होगी अगली बार असुविधा नहीं होगी और सरकार बनेगी तो बिल्कुल असुविधा नहीं होगी किसी तरह की। अब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चल चुके हैं। बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश इस बार विधानसभा चुनाव में MOI समीकरण यानी मुस्लिम यादव को अपने पाले में करने में जुटे हैं। मुसलमानों पर लैला की भी नजर है, ऐसे में मुस्लिम वोट बट न जाए। अखिलेश ने मुंबई से पार्टी के नेता अबू आजमी को बुलावा भेजा, लेकिन जनाब अखिलेश के गले में आफत की नई माला पहना दी। अगर 20% पूरा का पूरा वोट भी मिल जाए तो सरकार बना सकते हैं क्या? वोट काट सकते हैं लोग आकर यहाँ पर, तो ये बड़े बड़े दावा करते हैं। भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनके प्रदेश में वो आज 1923 से जो पार्टी बनी हुई है, पाँच यहाँ पे 8 सीट लड़ते हैं, 100 सीट क्यों लड़ रहे हैं? उनकी मजबूरी नहीं है, ये बीजेपी की मजबूरी है कि किसी तरह से वोट कटे। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में SP BSP और कांग्रेस के बीच गठबंधन था और तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी,
ऐसे में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां चुनाव वहां लैला, लेकिन लैला को हर बार धोखा ही मिला। उसे अभी तक मजनू नहीं मिला, वो आज भी मजनू की तलाश में है। लैला बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर मजनू पर डोरे डालती है, लेकिन वो चंद दिनों का ही प्यार होता है। कल तक ओवैसी के साथ गलबहिया कर रहे ओम प्रकाश राजभर अब नए साथी की तलाश में है। ऐसा क्यों हो रहा है, समझिए इसे। लगता है लैला का प्यार अधूरा रह जाएगा। लैला को यूपी में भी मजनू नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लैला जिस मजनू पर और मजनू जिस लैला पर जान छिड़कता था, वो मजनू अब कहीं और किसी और से इश्क लड़ाने में जुट गया है। इनका प्यार तो चुनावी था ही, लेकिन इतना जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। मैं लैला हूँ। लैला ने ओम प्रकाश राजभर को यूपी का सीएम बनाने का ख्वाब दिखाया था, पतंग की सवारी कराकर विधानसभा ले जाने के सपने दिखाए थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर गदगद थे। उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया, और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। दोनों एक दूसरे से गलबहियां कर कमल को कैद करने का दावा कर रहे थे, साइकिल की हवा निकालने की बात कर रहे थे, हाथी का वोट काटने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इस पतंग की डोर इतनी कमजोर निकली। मजनू यानी ओम प्रकाश राजभर 552 किलोमीटर दूर दिल्ली में नए साथी की तलाश कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और शिवसेना नेता संजय राउत से मिलने वाले हैं। यानी राजभर सियासी मलाई खाने के लिए बेचैन है, इसलिए मजबूत साथी की तलाश में है, ताकि बीजेपी को झटका दिया जा सके। लेकिन उस वादे का क्या जिसे ओवैसी ने राजभर से किया था, जिसे राजभर ने खुद लोगों को बताया था? ओवैसी जी तो कहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को सीएम बनाएंगे। क्या बीजेपी के लोगों से पूछो, क्या राजभर को सीएम बनाएंगे जो उनके पास चेला लोग हैं? दरअसल राजभर का लैला से नहीं, उसके गजनवी प्लान से मोहभंग हुआ है। यूपी में चुनाव जीतने के लिए लैला गजनवी प्लान लेकर आई है, और ओवैसी बहराइच में गाजी सलार मसूद के दरगाह पर चादर भी चढ़ा चुके हैं। ये वही आक्रांता गाजी है जिसे महान प्रतापी राजा सुहेल देव ने युद्ध में मौत के घाट उतार दिया था। राजभर राजा सुहेल देव के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन ओवैसी उनके दुश्मन गाजी को आदर्श मानते हैं। मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर अपील कर रहा हूँ, तुमको वास्ता है उस गाजी शहीद सालार का, अगर तुम उसके वारिस हो तो खुदा की कसम तुम मोदी से नहीं डर सकते, तुम्हारे सच से नहीं डर सकते। सियासी नयन मटक्का में राजभर अपना ही घर जला बैठे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ राजभर समाज सड़क पर उतर गया है। वाराणसी के बाद गाजीपुर में भी ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका गया है। सत्ता की लालच में राजभर भड़काऊ भाईजान के साथ गलबहियां कर रहे थे। राजभर ओवैसी के साथ मिलकर बिहार जैसा चमत्कार होने का ख्वाब देख रहे थे, यूपी का सीएम बनने का मुंगेरी लाल के हसीन सपने संजो रहे थे। लेकिन राजभर समाज के सड़क पर आने के बाद अब उन्हें लगने लगा है कि ओवैसी को फायदा और उनका नुकसान न हो जाए, जैसे बिहार में ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों के साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि लैला का दिल पहली बार टूटा है, इससे पहले बंगाल में लैला को धोखा मिल चुका है। अब तो लैला अपने हजार मजनू होने का दावा भी करती है। मजबूत आशिकी है ये लैला, मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। भारत की सियासत का मैं लैला हूँ और मेरे मजनू बहुत है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक लैला हूँ और मेरे हजारों मजनू हैं। मैं तो लैला हूँ। अब ओवैसी 1995 में आई सनम बेवफा फिल्म का गाना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का गा रहे हैं और मजनू की तलाश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत से ही जुड़ी। 17 जुलाई को केजरीवाल से राजभर की मुलाकात हो सकती है। राजभर और केजरीवाल की मुलाकात से जुड़ी ये बड़ी खबर। संजय सिंह के बगैर राजभर से नहीं मिलेंगे केजरीवाल। संजय सिंह के यूपी से लौटने के बाद ही मुख्यमंत्री केजरीवाल राजभर से मिलेंगे। 17 जुलाई की तारीख सामने आ रही है केजरीवाल से राजभर के मिलने की खबर। और तीसरा मोर्चा बनाने के जगत में है ओम प्रकाश राजभर। खबर अभी बाकी है लेकिन एक छोटा सा ब्रेक।